जगत का सबसे पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपने देखा ही होगा। इस सीरियल के आज लाखों प्रशंसक हैं। इन्हें हर कोई देखना पसंद करता है। यह सीरियल 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ था, जो अब तक करीब 12 सालों से टीवी पर दिखाया जा रहा है। इस शो के सभी किरदार आज घर घर में लोकप्रिय हो चुके हैं। आज हम तारक मेहता में इंस्पेक्टर चालू पांडे का किरदार निभाने वाले अभिनेता के बारे में बात करेंगे। बता दें कि तारक मेहता के चालू पांडे का असली नाम दयाशंकर पांडे है। दयाशंकर पांडे का जन्म 19 नवंबर 1965 को प्रयागराज में हुआ था। दयाशंकर पांडे एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। इन्होंने लगान, गंगाजल, स्वदेश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इन्होंने साल 1993 में फिल्म पहला नशा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वर्तमान में वे प्रसिद्ध धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इंस्पेक्टर चालू पांडे की भूमिका निभा रहे हैं। दयाशंकर पांडे बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। फिलहाल दयाशंकर पांडे मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहते हैं। दयाशंकर पांडे तारक मेहता में चालू पांडे का किरदार निभाने के लिए एक एपिसोड के 35 से 40 हजार रुपए की फीस लेते हैं। अगर बात करें उनकी कुल नेटवर्थ की, तो उनके पास कुल $5 मिलियन यानी कि 30 से 35 करोड़ है। वैसे तारक मेहता में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड और देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।